आरक्षण में क्रीमी लेयर का दायरा लागू करने संबंधी कानून को लेकर भारत बंद के दौरान गाजीपुर जिले के वाराणसी गोरखपुर मार्ग पर मटेहू के पास भारत बंद समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे फोर लेन मार्ग 2 घंटे के लगभग जाम रहा। इस दौरान भारत बंद समर्थक तीव्र नारेबाजी कर रहे थे और इस कानून को लागू न करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मर्द एवं मटेहू की मौके पर डटी रही, बावजूद इसके बंद समर्थक 2 घंटे तक अनवरत जाम रखे हुए थे। बाद में सदर तहसीलदार के मौके पर पहुंचने पर जाम समर्थकों का पत्रक लेने के बाद जाम समाप्त हुआ। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में वाहनों की कतार रोड पे लगी रही। मेन फोर लेन रोड जाम करने के साथ ही दोनों तरफ के सर्विस रोड भी बंद समर्थक जाम किए हुए थे। इस जाम के दौरान अस्पताल सहित विभिन्न आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन कर रहे लोग 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे और भारी परेशानी झेलनी पड़ी। अंत में सदर तहसीलदार के मौके पर पहुंचकर जाम समर्थकों का पत्रक लेने के बाद जाम समाप्त हुआ। इस जाम में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के कार्यकर्तागण काफी तादाद में थे। इस जाम के दौरान क्षेत्र की दुकानें बंद रहीं और आवागमन भी पूर्णतः बाधित रहा। भारत बंद आज घोषित है कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा। ये मर्दा थाना क्षेत्र के मटेहू में वाराणसी गोरखपुर जो फोर लेन मार्ग है वो जाम है, तो उस जामकर्ताओं में आप भी शामिल हैं? जी बिल्कुल शामिल हैं। तो क्यों जाम कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांग है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST एक्ट को लेकर, जो कोटे में कोटे का प्रावधान है और जो क्रिमिनल एक्ट है, तो इससे हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान इस प्रकार है कि क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि जब मैं SC कैटेगरी में यदि अपनी सर्विस पा जाता हूँ तो मेरी आने वाली पीढ़ी SC कैटेगरी में सर्विस नहीं पाएगी, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह है कि यह विशेष राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो वह चाहेगी तो अपना विशेष अधिकार बनाकर जो SC कैटेगरी में जितनी भी जातियाँ हैं उनमें किसी विशेष जाति को आप दरकिनार कर सकते हैं, राज्य सरकार को यह कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आप पहले एक विशेष जाति को क्रीमी लेयर के तहत डालकर और आरक्षण उसका खत्म कर देंगे, फिर दूसरे जाति का नंबर आएगा SC कैटेगरी के अंतर्गत जो आ रही है उसका, फिर उसको आप दरकिनार कर देंगे। ऐसे ऐसे जब आप SC कैटेगरी में सबको दरकिनार कर देंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यह सरकार का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का या एक SC और ST आरक्षण को खत्म करने का पूर्ण रूप से साजिश है और इससे हम असहमत है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से चाहते हैं कि इस चीज को निष्प्रभावी करने के लिए उचित कदम उठाए और जो हमारी मांग है कि SC ST का जो आरक्षण मिलता है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, वो छुआछूत के आधार पर, सामाजिक आधार पर। ये छुआछूत राजनीतिक भेदभाव है। हमको एक चीज बताइए, किसी संगठन के तत्वाधान में आप लोग ये कर रहे हैं जाम? संगठन कौन सा है? जैसे बहुजन समाज पार्टी हुआ, भीम आर्मी हुई और आजाद। तो यहाँ जो लोग एकत्र हैं वो किस संगठन संबंधित है? बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों संगठनों के। अच्छा, आप किस से हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखता हूँ। तो ये बताइए, पार्टी के जो शीर्ष नेता है या पार्टी नेतृत्व है या जो भी जिले के या प्रदेश लेवल के जो आपके नेता है, किसी ने ऐसा कोई आदेश जारी किया था या निर्देश जारी किया था कि हमारी जाम करेंगे? जी, हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यह आह्वान किया कि पूर्ण भारत बंद करें।
जाम करने और बंद करने में अंतर है जी, बंद करने में और जाम करने में अंतर है। यदि हम अपने घर बंद करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं सरकार को पड़ेगा। यदि नेशनल हाईवे जाम करेंगे तो 2 अप्रैल के भांति इस बार भी जब सरकार को नुकसान होगा। यह बताइए थे रोड जाम करने का हमारे जहाँ तक हमको जानकारी है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या अन्य संगठन भी जो इसका समर्थन कर रहे हैं कोई जाम का समर्थन नहीं किया है। नहीं तो हमारा जाम करने का मेन उद्देश्य है कि हमारी आवाज सरकार तक जाए। हमको हमारे क्षेत्र के सभी लोगों ने कहा कि मटेहू एक अच्छा हम लोग का संसाधन है, मुझे आवाज पहुँचाने का, तो हमने मटेहू को जाम करने का काम किया और संवैधानिक तरीके से हम जाम कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, क्योंकि यदि SC ST आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो केंद्र सरकार की शक्ति हो या राज्य सरकार की शक्ति हो उसमें आप न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो हमारा आरक्षण बरकरार रहेगा और आरक्षण का मेन मकसद है समानता, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से समानता मिले। तो हमारी मांग यही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि आदरणीय और राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि हमारी मांग को स्वीकार करें, हमारा आरक्षण बरकरार करें, SC ST समाज को आपस में लड़ाने का काम न करें। यदि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना पूरा परिचय बता दीजिए, नाम गांव पता सब बताइए। मेरा नाम अमरजीत कुमार है, मेरा ग्राम बसवारी है, जिला गाजीपुर है। Yeah!